छोटे छोटे उद्योग काम करने वाले लोग थे, आज धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब बड़े बड़े उद्योगपति के साथ इनका हाथ मिलाना शुरू हो गया। आज देश में कई समस्याएं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश चाहता है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे तबाह है, आम पब्लिक का जीना हराम हो गया। बोलिए, 4 साल पहले गैस का कीमत था मात्र 460 रुपया, उन्होंने सब्सिडी दे दिया, मुफ्त में गैस दे दिया, लेकिन 4 साल के अंदर 1260 रुपया हुआ। आप चले जाइए गांव में, आज गरीब लोग तार मैंने जितने भी पेड़ सूखते हैं उससे निकाल करके अब लोग जलामन का काम कर रहे हैं, गैस नहीं चला रहे। ईवीएम को हटाइए ना सर, ईवीएम में हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आंदोलन हो रहा है शुरू, लेकिन ईवीएम भी जब रहेगा, जब कोठी नहीं पड़ेगा उनका, तो ईवीएम रह के क्या करेंगे। आज भी वहाँ चले जाइए तो गरीब से शुरू होता है, दलित से शुरू होता है, जिस टोले में दलित की आबादी है, पहले नल का पानी वहीं गिरेगा, बिजली वहीं लगेगा, सड़क वहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि दलित को छोड़ के दूसरे घर में बनेगा, ऐसा नहीं है। वो आबादी पर है, दलित की जहाँ आबादी ज़्यादा है सबसे पहले उस टोले को उनको आगे होता है। वहाँ गठबंधन में 11 आदमी की कमेटी बनेगी और वह 11 आदमी कमेटी पूरा रूपरेखा तैयार करेगा, देश को कैसे चलाया जाए, कैसे बहुजन को ले चला जाए जिससे आगे बढ़े देश, वो सारा रूपरेखा तैयार करके सारे चीज़। अगर 11 लोग, आज देश में जो परिस्थितियां हैं, आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए, इतना विकास होना चाहिए नहीं हुआ। हम यह नहीं कहते कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन खास करके NDA की जो सरकार थी उसमें हम लोग भी थे, उसमें तो कोई विकास हुआ ही नहीं, जितने भी हुआ खाना पूरी हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि देश में जब जब किसी की सरकार रहा हो, हर लोग अपने प्रदेशों के हिसाब से विकास का पैसा देते थे और राज्यों का विकास होता था, जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन सुई से लेकर हवाई जहाज तक जिसकी भी सरकार रही हो सब लोगों ने बनाया, तब देश आज भी जहाँ पहुँचा है उसमें, लेकिन NDA का योगदान नहीं है। ये आए तो सबसे पहले कोविड के नाम पर इन्होंने उद्योग को समाप्त करने का प्रयास किया, जो आज देख रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योगपति थे, जो छोटे छोटे उद्योग काम करने वाले लोग थे, आज धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब बड़े बड़े उद्योगपति के साथ इनका हाथ मिलाना शुरू हो गया। आज देश में कई समस्याएं हो रही है, मैं समझता हूँ कि आज टेंडर जो सिस्टम हुआ है, पूरे देश में चले जाइए तो जो टेंडरिंग हो रहा है उसमें बड़े बड़े सारे पूंजीपति लोग आ गए, अब छोटे छोटे जो ठेकेदार लोग हैं वो उसमें जा नहीं पा रहे, तो इससे कहीं न कहीं जो लोग काम करने वाले थे, छोटे लोग थे, उनको ठेस पहुँचा है। NDA छोड़, अब आप इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे आए हैं, क्या भविष्य आपको 2024 में इंडिया का लगता है, कुछ परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, देश में परिवर्तन होने का माहौल होता है, अभी जो इनका 10 साल का जो सरकार बना है उसमें निश्चित रूप से देश में इनका आज लगातार विरोध हो रहा है। आज हम लोग भी विरोध में मार्च कर रहे थे गांधी मूर्ति के पास, एक डिमांड है कि पार्लियामेंट में आकर प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण दे दें कि जो मणिपुर की घटनाएं हो रही है इस पर आप कुछ बोलिए, कि कोई बड़ी चीज़ तो नहीं था, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अंदर मणिपुर है, यह बात देश से बाहर जा रहा है, दूसरे देश के लोग इसके बारे में कुछ न कुछ बोल रहे हैं। निंदा की थी सर उन्होंने इस चीज को लेकर के, जो है पार्लियामेंट में देखिए जब उठाए गए थे लोगों ने, नहीं नहीं पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं किए हैं, पार्लियामेंट से बाहर अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस बात को उतना नहीं लिया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर बोलते हैं तो वह बात देश हित में चला जाता है कि देश हित में प्रधानमंत्री बोला। मणिपुर से पहले बहुत सारे कांड हुए, 2014 से बोले नहीं, लेकिन उस तरह के घटनाएं नहीं हुई है जिस तरीके से मणिपुर की घटनाएं हुई है, और मणिपुर में खास करके जो घटना इतना लंबा चला उसके बाद आप कई देश चले गए कोई चर्चा नहीं, और दूसरे देश से भी घूम कर आ रहे हैं अभी भी नहीं बोल रहे हैं, तो पार्लियामेंट में आगे जवाब देना चाहिए। चुने गए जितने भी लोग हैं वो वहाँ बैठते हैं, मैं समझता हूँ कि देश भर के सारे प्रतिनिधि होते हैं, बोलना चाहिए। तो 2024 में आप NDA को मतलब बैकफुट पे ले जाने की जो कोशिश है, कमाई जो आप कर रहे हैं पूरे देश के अंदर? अब तो मीडिया वाले आप लोग हैं, आप लोग हमसे भी ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और देश भर में चर्चाएं हो रही है, उनकी जो सरकार थी आपके आँख के सामने झारखंड में उनकी सरकार थी चली गई,
हिमाचल में चुनाव हुआ चला गया, बिहार उनके हाथ से निकल गया, अभी आपका कर्नाटक निकल गया, और अभी जो चुनाव होना है अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, तो उनके हाथ से सारा जगह निकल रहा है। आप मीडिया वाले हैं, आप ही इसका सर्वे करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश चाहता है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे तबाह है, आम पब्लिक का जीना हराम हो गया। बोलिए, 4 साल पहले गैस का कीमत था मात्र 460 रुपया, उन्होंने सब्सिडी दे दिया, मुफ्त में गैस दे दिया, लेकिन 4 साल के अंदर 1260 रुपया हो गया। आप चले जाइए गांव में, आज गरीब लोग तार माने जितने भी पेड़ सूखते हैं उससे निकाल करके अब लोग जलामन का काम कर रहे हैं, गैस नहीं चला रहे हैं। आपको नहीं लगता राजनीतिक परिवर्तन की आप लोग बातें कर रहे हैं, अगर सामाजिक परिवर्तन को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो देश के अंदर जल्दी बदलाव आ सकता है? जरूर, सही बात है। हमारे देखिए बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, वो सामाजिक बदलाव का प्रयास किया, 17 साल से मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है, उसके बावजूद बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। नहीं, आप मानते हैं राज्य, अभी ये तो आंकड़ों में है सर, अभी का आंकड़ा आ गया कि गरीबी में जितना सुधार बिहार में हुआ है उतना किसी राज्य में नहीं हुआ। देश में जितने राज्य हैं वो सभी का सर्वे हुआ है, वो बिहार का एक नंबर नाम आया कि वहाँ सामाजिक संतुलन काफ़ी सुधार हुआ। बाढ़ में लोग बह गए सर, उनको आप लोग या नीतीश की सरकार सुविधाएं नहीं दे पाई, खाना नहीं दे पाई, लोग भूखे मर रहे थे सर, अभी वीडियो वायरल हो रही थी दुनिया भर की बाढ़ के समय में। अभी तो जो बाढ़ आया है, अभी तो इससे भयंकर भयंकर बाढ़ आया है, सबने नीतीश ने संभाला है, एक नहीं अनेक, और उनका जो किया हुआ काम है, आज भी वहाँ चले जाइए तो गरीब से शुरू होता है, दलित से शुरू होता है, जिस टोले में दलित की आबादी है पहले नल का पानी वहीं गिरेगा, बिजली वहीं लगेगा, सड़क वहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि दलित के छोड़ के दूसरे घर में बनेगा, ऐसा नहीं है। वो आबादी पर है कि दलित की जहां आबादी ज़्यादा है सबसे पहले उस टोले को हमको आगे। जिस तरीके से देखा जाए तो इंडिया के नाम से जो फ्रंट बनाया गया है उसमें अलायंस किया गया, लोगों ने 26 दलों ने उस पर एक होकर के 2024 के खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाई है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा भी 38 दलों के साथ है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या परिवर्तन आने वाला है? पूरे 38 जो उनका है और हमारा है, दोनों में अंतर है। जैसे हम बिहार का ही एक हिसाब देते हैं, अब नागमणि जी हैं वह भी उस दल में शामिल है, ना कोई विधायक है ना कोई MP है, बगल में चंद्र कुशवाहा जी हैं, न उनके पास कोई MP है न कोई विधायक। वो तो पिछली बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे सर, बड़ा चेहरा है वो। ठीक है, चेहरा बड़ा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जो जिस तरीके से वो 38 पार्टी को लाए हैं, उसके पहले एक बार भी बता दीजिए कि NDA का बैठक, हम थे NDA में, कभी NDA का बैठक हुआ था बताइए? अरे वो तो महागठबंधन बना तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने NDA का बैठक कर दिया, एक बार भी बता दिया। अटल जी के बाद जो NDA है एक भी NDA का बैठक नहीं हुआ है, आप लोग मीडिया वाले हैं आप लोग इसको पता लगाएं। सर जिस NDA की अभी बात कर रहे हैं, 17 दिग्गज नेताओं ने अभी हाल ही में जो है जयपुर से मध्य प्रदेश से या कहीं भी बताएं, कई बड़े दिग्गज नेताओं ने NDA का दामन थामा। हाँ, हम मान लिया इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम यह टिप्पणी जरूर करेंगे कि NDA की बैठक पहले इनके टाइम में कभी नहीं हुआ था, जब महागठबंधन बना है तब ये NDA का। महागठबंधन जो है परिवर्तन ला पाएगा क्या पता 2024 में? देखिए, परिवर्तन तो उम्मीद से ही होता है, जब जनता का जनादेश मिलेगा। हाँ। जिस हिसाब से वो महागठबंधन बना है और पूरा महागठबंधन का रूपरेखा भी तैयार हो रहा है, उस कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, उसी रूपरेखा से देश को चलाना है। अगर बढ़िया से तैयार हो गया तो मैं समझता हूँ कि देश बदलाव चाह रही है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, आप भी सर्वे इसका करिए। सर, बदलाव देश चाह रही है, आप प्रधानमंत्री किसको चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो परिस्थिति बनाएगा, अभी तो पहले एक हो, तो पैदा आप करेंगे ना, तो किसको पहले एक हो उसके बाद ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, जिसके पास लोगों का जो राय आ जाएगा वो होगा प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है कि कौन टक्कर में है? ये बात मैं नहीं, अमित शाह जी 300 सीटों का दावा दे रहे हैं कि हमारा। अरे वो अमित शाह से पूछिए ना भाई, कर्नाटक में क्या बोल कर आए थे, कितना सीट हम ला रहे हैं, कितना सीट आया,
जबकि देश के प्रधानमंत्री ने 26 सभाएं वहां की, एक राज्य में 26 सभा कोई दूसरा प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, वह हालत हो गया। सर टीवी चैनलों की अगर हम बात करें तो 50% वोट अब की बात 2024 में एनडीए को मिलेगा ऐसा अनुमान लगाया गया। देखिए पहले जी 50% वोट नहीं मिला है, अब क्या मिलना है? जब राज्य में प्रत्येक राज्य का अपना हिसाब देखें 2024 में सर 57% वोट मिला था, 2019 की अगर हम बात करें 56.9% पता लगा लीजिए 57% उनको कैसे आ जाएगा जब 57%। सर आपकी रणनीति क्या है इस इलेक्शन को जीतने के लिए और अपना मन चाहा प्रधानमंत्री बनाने के लिए? रणनीति यही है कि महागठबंधन में 11 आदमी की कमेटी बनेगी और वह 11 आदमी कमेटी पूरा रूपरेखा तैयार करेगा, देश को कैसे चलाया जाए, कैसे बहुजन को ले चला जाए जिससे आगे बढ़े देश, वो सारा रूपरेखा तैयार होकर के सारे चीज। अगर 11 लोग एक साथ नहीं हुए तो क्या दोबारा से? लेकिन नहीं होंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। जो मैं बन रहा हूँ, जो महागठबंधन बना है, वह महागठबंधन को बरकरार रखने के लिए सारे लोगों का प्रयास है, कोई लोभ नहीं। एक लोभ है कि हमें एनडीए को हटाना है, एनडीए अगर हट गया उसके बाद ही तो क्या लगता है जब तक ईवीएम है आप एनडीए को कैसे हटा देंगे? सर कहा तो ये चाहता है आप लोगों के माध्यम से कि ईवीएम में घोटाला होता है, जब तक घोटाला है तो आप कैसे पास हो जाएंगे? सर देखिए ईवीएम पहले ईवीएम को हटाइए ना सर, ईवीएम में हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आंदोलन हो रहा है शुरू, लेकिन ईवीएम भी जब रहेगा, जब वोट ही नहीं पड़ेगा उनका, तो ईवीएम रह के क्या सर पिछले